हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो फाइनली जामिया का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट है वो आप लोगों का जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अब आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको कहाँ पे और किस डेट के बीच विजिट करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जिनका वेटिंग लिस्ट में आया है तो वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, जो कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए ही बनाया गया है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इस वीडियो में हमारे नंबर भी देने वाला हूँ, आप उस पर मैसेज मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। पहले हम लोग इन चीज़ों पे देख लेते हैं आपका जो रिजल्ट आया है। ओके, तो यहाँ पे ये वेबसाइट है जिस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। अगर आपको ये यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो हम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको काउंसलिंग के लिए जामिया विजिट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेके। जी हाँ, आपका जामिया में सिलेक्शन हुआ है तो ऑनलाइन यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होती है, यहाँ पे आपको जामिया में विजिट करना पड़ेगा जो डेट आपको यहाँ पर मिली है, ठीक है। एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको कंप्लीट करनी है 10/7/2023 से लेकर 14/7/2023, ठीक है, यानी कि 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच आपको ये कंप्लीट करना होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे आपको विजिट करना है। बाकी जब आप जामिया में जाओगे तो जामिया में भी आपको काफ़ी स्टूडेंट जो हेल्प करने वाले होते हैं वो आपकी हेल्प वहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है कितनी बजे आपको यहाँ पे विजिट करना है, ठीक है। अब देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करके लेके जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके पास, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिसेंटली आपके पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए एडमिशन के टाइम, ठीक है। आईडी प्रूफ के तौर पे भी आपको कुछ यहाँ पे जैसे आधार वगैरह है जो आपको लेके जाना है वो आप यहाँ पे लेके जाएंगे, 10th का मार्कशीट, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपके पास माइग्रेशन वगैरह है, मतलब नॉर्मली जो सारी यूनिवर्सिटी में लगता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल में तो लगेगा नहीं, बाकी जो भी ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से आपको कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। ओके, तो ये है। अब इसके साथ ही मैं आगे यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ओके, एफिडेविट वगैरह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी उस समय, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी गाइस होती है तो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप एक बार नोट कर लेना, 8619071922। ओके, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कुछ पूछना है डॉक्यूमेंट को लेके या फिर अदर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे बेझिझक होके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर पाएंगे, क्लियर। अब देखिए, कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल में जो कट ऑफ है वो 83 जो है आपका यहाँ पे गया है, और लगभग आप देख सकते हो हमने एक वीडियो जो बनाया था जामिया का कट ऑफ का, और जो स्टूडेंट लाइक पूछ रहे थे तो हमने लगभग उनको 83-84 का ही एवरेज बताया था, और कट ऑफ लगभग आपको उतना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुस्लिम कैटेगरी का यहाँ पे 77.25 गया है, इसी तरीके से ओबीसी मुस्लिम है, मुस्लिम वुमेन है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, केएम वाले है, तो ये देखिए इनकी तो जो है काफ़ी कम यहाँ पे जाती है, जम्मू वालों की जो कट ऑफ है वो तो काफ़ी कम जाती है। अब इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा क्योंकि एक वीडियो हमारा इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था तो वो यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया था, तो आप लोग समझ गए होंगे कट ऑफ का जो क्राइटेरिया एक्चुअली रिजर्वेशन होता है और उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट का है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो इन सब का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है जिनके रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जो है यहाँ पे लगभग 18 स्टूडेंट को लिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, सॉरी, ये भी जनरल के ही है, जनरल कैटेगरी में 19 स्टूडेंट को लिया गया। मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आप लोग देख सकते हो 13 स्टूडेंट है। ओके, फिर जो है ओबीसी में ये कुछ स्टूडेंट है, यहाँ पर कम स्टूडेंट है, तो इस हिसाब से ये सिलेक्टेड स्टूडेंट का। अब हम लोग वेटिंग लिस्ट का एक बार देख लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक सिलेक्शन हो जाता है। ओके,
ये वेटिंग लिस्ट में। अब देखिए जिनके ऊपर वाले हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका अभी तुरंत सिलेक्शन नहीं होगा। और सेकंड कट ऑफ लिस्ट आती है या नहीं आती है उसकी भी बात कर लेता हूँ। सेकंड भी आई थी पिछले साल, थर्ड भी आई थी, फोर्थ भी कट ऑफ भी यहाँ पर जो आपकी जारी हो सकती है अगर सीट वैकेंट बच जाए। क्या होता है अभी देखो CUET का रिजल्ट, जो चीज़ है मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अभी CUET का रिजल्ट नहीं आया है। और CUET का रिजल्ट आने के बाद जिन स्टूडेंट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की है, उनका JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो वो यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा के कहाँ जाएंगे, JNU जाएंगे, तो यहाँ सीटें आपकी खाली हो जाएगी और फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनका नाम आ जाता है। अगर आपका ऊपर से 2-3 नंबर पे है तो आपका आराम से हो ही जाएगा, सेकंड लिस्ट आएगी तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जब ये होगा कि CUET का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ड्रॉप करके और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ पे उनको एक्चुअली एडमिशन लेना था। हालांकि फर्स्ट कट ऑफ में स्टूडेंट यहीं एडमिशन लेगा, जिसका हो गया वो तो लेगा ही एक बार तो, लेकिन जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद वो लोग जो है फिर से यहाँ पे उन यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे जहाँ पे एक्चुअली उनको एडमिशन लेना था। तो फिर जो क्या होगा, लिस्ट जो है आपकी यहाँ पे फिर से जामिया की निकलेगी, ओके। तो ये होगा कि एंड तक आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका ऊपर है यहाँ पे, लेकिन आप सोच रहे हो कि 40-50 नंबर तक है आपका ये वेटिंग लिस्ट में, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। बाकी ऊपर के 5-6 तक है तो आराम से आपको मिल ही जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, ओके। तो ये आपका जामिया का रिजल्ट के लिए कुछ अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। बाकी मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है। हमारे ऑलरेडी जामिया में काफ़ी स्टूडेंट जो है अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर हुआ था या फिर उससे लास्ट ईयर हुआ था। तो जब आप जामिया भी विजिट करते हो एडमिशन के लिए, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मुझे मैसेज कर देना, हम लोग आपकी हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे, ओके। सो शुक्रिया आप सभी का, एंड जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, थैंक यू।